हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं अपने घर से ब्लॉग कर रही हूँ आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। आई एम ब्लॉगिंग फ्रॉम माय हाउस एंड ऑल ऑफ द ब्लॉग्स दैट मैंने शूट किए थे अपने गांव में वो सारे मैंने एडिट करके पोस्ट कर दिए हैं। नाउ आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू पुट, सो आई हैव टू मेक फ्रेश न्यू कॉन्टेंट एंड आई थॉट कि ब्लॉग से स्टार्ट करते हैं बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू मेक अ ब्लॉग। एंड अभी मॉर्निंग हो रही है, लाइक 12 बज रहे हैं। आफ्टरनून भी कह सकते हो आप लोग, आप कितने बजे उठते हो। सो यस, तो मैं जस्ट अपना फेस वॉश करके आई थी एंड थोड़ा सा तैयार शहर जाते हैं। ओके, क्यारा से भी मिल लीजिए आप लोग, कितने दिन हो गए आप लोग। क्यारा हाय, हाय कर दो। नहीं करना है, चलो मत करो। सो मेरे फेस की टैनिंग अब जाके थोड़ी कम हुई है। लाइक हमारे गांव का पानी थोड़ा सा ना यहाँ बहुत हार्श है स्किन के लिए। धूप में तो इतना नहीं रहते हम लोग, ऑब्वियसली घरों में बैठे रहते हैं, बट स्टिल स्किन इतनी ज्यादा टैनिंग हो जाती है। चलो आप सभी थोड़ी देर में बात करती हूँ। सो गाइस, ये देखो कपड़े पड़े हैं वहाँ पे जो मुझे बहुत देर से बहुत बॉदर कर रहे हैं, बट मैंने अभी तक उन्हें हटाया नहीं है। ब्लैंकेट्स रात के ओपन रखे हैं, वहाँ पे भी स्टफ रखा है। यू नो गाइस कि मैं वहाँ कुछ भी नहीं रखती, मुझे वहाँ प्लेन लाइक खाली जगह पसंद है वो वाली। कमिंग बैक टू हियर, यहाँ टॉवल्स पड़े हैं एंड यहाँ पे भी अनवांटेड स्टफ पड़ा है जो मुझे हटाना है। एंड दैट्स मी लाइंग हियर। बहुत कुछ करना है एंड फील लाइक कि मैं सारा दिन लेटी रहूँ। आई डोंट नो, इतनी लेजीनेस, इतनी ड्रिजीनेस खेल रही है मेरे को सारा दिन। अब मुझे भूख भी लग रही है, मिलती हूँ थोड़ी देर। निकालो, बोलो दूध ले आओ। बाय द वे, ऑल क्लीन। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. How are you all? Let me know the comment section below. And आज मैं कर रही हूँ vlog. So जब से मैं गाँव से आई हूँ मैं आज vlog कर रही हूँ। And like मैंने एक दिन और shoot किया था, कुछ दो तीन clips हैं मेरे पास जो मैं इसके बाद include कर दूँगी, तो वो भी आप देख लेना। So yes, actually guys, you I really wanted to talk to you about something. Wait. सो गाइज, मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ रिगार्डिंग माई यूट्यूब वीडियोज़ एंड एवरीथिंग। तो द थिंग इज़ कि इवन इफ आई एम गेटिंग बिलो 100 व्यूज़, डजंट मैटर बिकॉज इट्स जस्ट स्टार्टिंग, बट आई वॉन्ट यू गाइज टू लेट मी नो योर थाट्स अबाउट माई वीडियोज़ और अबाउट माई चैनल्स इन कमेंट सेक्शन। आई रियली वॉन्टेड टू टॉक टू यू गाइज, आई रियली वॉन्टेड टू नो कि आप लोग क्या देखना चाहते हो। तो प्लीज़ कमेंट्स किया करो सो दैट आप और हम जुड़ सकें और मुझे पता लगे कि आप लोग क्या चाहते हो। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्या कमी है, कुछ भी प्लीज़ लेट मी नो। मुझे तो पता भी नहीं मेरी वीडियोस कौन देखता है, कहाँ के लोग देखते हैं। सो प्लीज़ चैट करिए, एक तरफ से बात करिए, आप कमेंट्स करके मुझे बताइए, वीडियोज़ को लाइक करिए, क्योंकि यही तो दो चीज़ें जिससे मुझे पता लगेगा कि यू गाइज़ आर लाइकिंग माई वीडियोज़ और नॉट। तो यही मैं एक जो डिस्क्लेमर रिलेटेड जो छोटा सा है वो डालना चाहती हूँ। सो प्लीज़ कनेक्ट करिए मेरे साथ, कमेंट्स के थ्रू ही कर लीजिए चाहे। सो या
तो आज का व्लॉग बहुत ही सिंपल होने वाला है बिकॉज हम घर पर ही हैं एंड ऑल्सो क्यारा का बर्थडे आ रहा है 22 जून को क्यारा का बर्थडे है. वी आर एक्साइटेड, वी आर सेलिब्रेटिंग. वी हैवंट प्लान एनी थिंग अबाउट द बर्थडे येट बट वी आर डेफिनेटली प्लानिंग. ऑब्वियसली बड़ा कुछ भी नहीं करने वाले हैं हम, कोविड भी है और हमारे से कुछ प्लान भी नहीं था क्योंकि एक तो जून में क्यारा का बर्थडे होता है तो जून में बहुत गर्मी होती है तो इट्स गेट वेरी डिफिकल्ट टू हैव अ बिग गैदरिंग एंड सो वी आर वर्डिंग दैट. हम सोच रहे थे कि हम वेकेशन पे चले जाते हैं बट क्यारा का बर्थडे है एंड हम वेकेशन पे जाके क्या करेंगे क्योंकि क्यारा इज नॉट अ पर्सन हु कैन यू नो लंबे सफ़र के लिए नहीं बन गए. वो शी गेट सिक बाय वॉमिटिंग एंड एवरीथिंग, उसको चक्कर बहुत आते हैं. सो ऑब्वियसली उसके बर्थडे पे उसको ये सब तो नहीं के देने फले. तो और ऑल्सो कोविड की वजह से भी हम अभी कोई ऐसा वेकेशन भी प्लान नहीं कर रहे हैं. जो हमने प्लान किया है वो यही है, या तो हम बाहर डिनर पर चले जाएंगे अपने आसपास के जो भी अपने क्लोज फैमिली मेम्बर्स उनके साथ, या हम घर पर ही गैदरिंग कर लेंगे कुछ 15 to 20 अपने क्लोज फ्रेंड्स फैमिली के साथ. सो दैट्स व्हाट वी हैव प्लान फॉर नाउ, बाकी देखते हैं क्या होता है. ऑल्सो कमिंग बैक टू यूट्यूब, तो यूट्यूब के लिए मैंने 2-3 वीडियोज़ प्लान करके रखी हैं जो मैंने अभी तक शूट नहीं किया, बस प्लान किए हैं क्योंकि जो वीडियोज़ हैं वो हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर. प्रोडक्ट मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुए, मैंने ऑर्डर कर दिया है, देखो 1-2 दिन में मुझे रिसीव हो जाएंगे. एंड एक वीडियो जो है वो होगी मेरे हेयर कलर के ऊपर. मैंने अभी रिसेंटली नायका से एक हेयर कलर ऑर्डर किया है. वेट, आई विल शो यू. दिस इज द हेयर कलर जो मैंने अभी रिसेंटली कल ही मुझे रिसीव हुआ है नायका से. सॉरी इतने फास्ट क्लोज. सो दिस इज द हेयर कलर, ये है एनन शोमैन का. तो इसके रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और मुझे एक हेयर कलर चाहिए था. ये है 28 mm क्योंकि मुझे थोड़े बिग कर्ल्स चाहिए. 32 mm का भी था जिसके लिए मैं ऑप्ट कर रही थी बट फिर वो ज़्यादा बड़ा ज़्यादा क्योंकि मेरे बाल बहुत थिक है, लाइक थिन है एंड ज़्यादा लंबे भी नहीं है तो उसके लिए तो आई गेस 28 mm ठीक है मेरे हेयर्स के लिए अभी के लिए था. तो इसके ऊपर भी जो रिव्यू वीडियो है वो मैं शूट करूँगी आज और उस पर अपलोड करने वाली हूँ. तो मैं सिर्फ रिव्यू करूँगी इस कलर को, ऑल्सो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी इस कलर के साथ क्योंकि मुझे हेयर कलरिंग करनी नहीं आती है तो मैं भी एक बिगिनर हूँ आप लोगों की तरह. तो मैं ये नहीं सिखाऊँगी हाउ टू कर्ल्स, मे बी इन फ्यूचर जब मैं सीख जाऊँगी तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताऊँगी कि हाउ टू कर्ल्स माई हेयर एंड यस. तो अभी ओके सो आज शायद मैंने बताया नहीं, आज है 15th of June एंड सिर्फ एक वीक रह गया क्यारे के बर्थडे में एंड अभी टाइम हो रहा है शाम के 5. मैंने जस्ट अभी लंच किया है, काफ़ी लेट चल रहा है और बाहर मैंने लॉन्ड्रीज धोने के लिए लगा रखी हैं. मैं शाम को ही मोस्टली जब भी कपड़े धोने होते हैं शाम को ही धोती हूँ. और क्यारा अभी टीवी देख रही थी तो अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर गई अपने दादा के पास. मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉक कर लेते हैं, अदरवाइज बीच में बहुत इंटरप्ट करती हूँ मुझे से. हाय गाइस, सो आज मैं कल का व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ. लाइक मैंने कल एक छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड की थी जिसमें मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मेरे यूट्यूब पे कमेंट्स पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो. उसके बाद मैंने शायद कुछ भी व्लॉग नहीं किया. आज मैंने सोचा कि इस व्लॉग को कंटिन्यू कर लेती हूँ एंड अभी मेरे रूम की हालत आप लोगों को देखी हुई पता नहीं बहुत लंबी हो रही है तो मैंने सोचा व्लॉग बना लेती हूँ और साथ ही साथ काम कर लेती हूँ. काफ़ी अच्छा लगता है मुझे जब मैं काम करती हूँ ब्लॉग करने होता है. एंड यस अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2 और बहुत लेट चल रहा है सब कुछ. सो मेरा बस अपना मॉर्निंग रिचुअल जो भी अपना है वो ख़त्म किया है. क्यारों को मिला जुला के दूध पिला दिया है, मैं वो बॉटल ही रखी जाती हूँ, सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ. एंड तो आज बेसिकली हमारा कुछ प्लान है जो सी कि वो होता है नहीं होता है नहीं हो पाता है. कल मैं एक्चुअली क्या रहा कि बर्थडे ड्रेस भी लेकर आई थी, मैं अभी आप लोगों को नहीं दिखाने वाली हूँ तो आप बर्थडे व्लॉग भी देख लेना. सो यस एंड आज हम जाने वाले बेसिकली कुछ रेस्टोरेंट्स में पूछने कि वहाँ पे सिटिंग अलाउड है और कितने लोगों की गैदरिंग एक साथ अलाउड है, ये सब पूछने की और कितनी देर तक रेस्टोरेंट्स ओपन हो रहे हैं ये सब हमें पूछने के लिए जो हमने 2-3 रेस्टोरेंट शॉप लिस्ट किए हैं उनमें जाके बात करनी है. हाँ क्या कह रही हो? सुला दूँ, अभी तो सो गई उठी हो. सो यस, तो ये है आज का ब्लॉग. देखते रहिए, देखते हैं और आगे ब्लॉग में क्या होना है क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मेरा दिन कैसे जाने वाला है. सो या हाय गाइस, सो मैं धीरे से बोल रही हूँ कि क्यारा सो रही है और मैंने
बेडशीट निकाल रखी है, ये देखिए मुझे ये चेंज करनी है बट वो सो गई है तो मैं चेंज नहीं कर पा रही हूँ। और आप यकीन नहीं मानोगे शाम के 4 बज रहे हैं एंड मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है, लेकिन मेरा रूम सुबह से ऐसे ही फैला हुआ है जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने बेडशीट चेंज नहीं की। एक्चुअली आज हमारी मेड ने ऑफ ले लिया था बिना बताए, तो मैंने बहुत सारे बर्तन साफ करे जिस वजह से मुझे वहाँ टाइम बच गया। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करने लगी एंड अब चाय वगैरह पी मैंने बर्तन में जो चाय पीने के बाद ही। तो या अभी 11 उठ जाएगी, उसके बाद मैं बेडशीट चेंज करूँगी। मेरा रूम ऐसे ही फैला पड़ा है। ऑल्सो मैंने रजत को कॉल किया था, अगर वो आ रहे हैं तो फिर हम लोग चले जाते हैं जिस काम से हमें जाना है, नहीं तो फिर शाम हो जाएगी और डिनर का टाइम हो जाएगा और डिनर में कुक करना है। तो या मैं सोचा कि अपडेट देती हूँ क्योंकि कल से व्लॉग में कर तो रही हूँ लेकिन कुछ व्लॉग ही नहीं कर पा रही हूँ एंड ऐसा ही होता है बस। सो यस, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर। सो गाइज शाम हो रही है लाइक 7 बज रहे हैं गैस और अभी तक हम कहीं नहीं गए, रजत अभी तक घर नहीं आया है। मुझे लगता है हम कहीं जाने भी वाले हैं, लाइक जो मैंने बताया था कि हमें रेस्टोरेंट में जाके पूछना है क्या करना है, तो उसके लिए अभी रजत घर आए नहीं हैं एंड आई डोंट नो कब जाएंगे। मुझे डिनर पिकअप करना है तो मैं मम्मी के पास जा रही हूँ उनसे पूछने की डिनर में क्या बनेगा। सो हाई गाइज गुड मॉर्निंग, आज नेक्स्ट डे, अभी सुबह के बज रहे हैं 12, मैं 12 ही बोलूँगी ऐसे 12:15 हो गया। सो अभी 11 पी रही है तो हम लोग अभी सोके उठे हैं, काफ़ी लेट शुरू हो चल रहा है और मैं रोटी टी शर्ट पहन रही हूँ। सो मैं ये कह रही थी कि इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हुए और मैं सब और नहीं खींचना चाहती हूँ एंड वैसे भी मुझे नया व्लॉग भी बनाना है तो मैं जो इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। आई होप यू ऑल एंजॉय, अगर आपने इन्जॉय किया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप और मेरी वीडियोज़ में मतलब मेरे चैनल पर क्या देखना चाहते हैं। सो यस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय गाइज़।